तो पैदल में जाना, कुछ शास्त्र साधन तपस्या में करना घोड़ा की गाड़ी है। अभी यो यांत्रिक गाड़ी है, आधुनिक गाड़ी है, उसमें चलना तो एक आचार्य के पास सामने जाना, वो तो एक तांत्रिक गाड़ी है, और उसमें एक मंत्र को पकड़ के आचार्य का शरण पकड़ के करना, वो गाड़ी भी तुम नहीं चलाती हो, एक आदमी चलाता है, तुम पीछे सो के सब सुरक्षा रूप में आते हो। इसलिए समंत्र अमंत्र करने में उनका जो योग्यता है अभिप्राय वो सब देख के करना चाहिए। समंत्र तो अच्छा है, लेकिन समंत्र में बहुत ध्यान होना चाहिए। जो व्यक्ति का दर्शन कृष्ण योगेश्वर का ध्यान आप करते हैं, उनका रूप का स्मरण करना चाहिए, उनका रूप का विभाग का स्मरण करना चाहिए। रूप का विभाग स्मरण मैंने कैसा, रूप का विकास विभाग का स्मरण, आकर आयुध आभरण दिव्य वस्त्रायुध शेष, शास्त्र में बोलते हैं बहुत कुछ है भगवान के ऊपर। इसलिए भगवान का विभाग का स्मरण बहुत मुश्किल है, लेकिन अनुभूति करने के समय में वो बहुत मीठी है और फिर वो बहुत सुलभ हो सकता है। भगवान का दिव्य ललाट, दिव्य पलक, दिव्य केशल, दिव्य कुंडल, दिव्य भ्रू, दिव्य नेत्र द्वय, दिव्य नाशिका, दिव्य हास्य, दिव्य दंत पंक्ति, दिव्य ओष्ठ, दिव्य रसन, दिव्य चुप्रग, दिव्य कपोल, दिव्य कर्ण, दिव्य ग्रीव, दिव्य कंठ, दिव्य स्थन, दिव्य वक्ष, दिव्य बाहु, दिव्य कर, दिव्य भुज, दिव्य अंगुलीय, दिव्य नग, दिव्य वक्ष, दिव्य कक्षि, दिव्य कुक्षि, दिव्य पार्श्व, दिव्य जानु, दिव्य ऊरु, दिव्य पाद, दिव्य पदाब्ज, दिव्य पदांगुलीय, दिव्य पदनक। ये तो भगवान का आकार का चिंतन है। और शंख चक्र परसी हसि यीशु शूल पाश अंकुश बिप्राण वज्र गेड हल मुसल कदा कुंद, ये सब भगवान का आयुध है। और भगवान का क्रीट कर्णकुंडल, कर्णकुंडल मकरकुंडल, नरायुधमाला, पंचायुधमाला, वैजयंती, वनमाला, तार्क्ष्यमाला, सुविधमाला, स्वर्ण यज्ञोपवीत, करघटक, भुजभंगी, मेखला, कांची, नूपुर, घटिबंधन, घटिसूत्र, ये सब भगवान का दिव्य आभरण है। ये सब भगवान का स्मरण करना विभाग का स्मरण है। भगवान का आकार और भगवान का दिव्य विभाग, भगवान का विषय है, भगवान तुम हमारा जनक हो, तुम हमारा नायक हो, हमारे पति हो, ये सब तो विषय का चिंतन है। विषय का चिंतन भी आना चाहिए और वाचक भी आना चाहिए, वाचक मैंने वचन भी बोलना चाहिए। इसलिए ये चार प्रकार एक ही समय में आना चाहिए। जैसे एक आदमी चतुर्गति, ये गाड़ी के चलने के समय में वो गाड़ी को नियंत्रण करने के लिए एक्सेलरेटर है, रोकने के लिए ब्रेक है, और इसका वेग परिवर्तन के लिए क्लच है ना, और इसको चलाने के लिए दिक, चलाने के लिए दिक निर्णय के लिए तो स्टीयरिंग है। इसे एक आदमी को योग गति में विग्रह ध्यान में वो भगवान का मूर्ति का स्मरण होना है, वो दिव्य मूर्त का जितना विभाग है उसका स्मरण आना है, उनके बारे में बोलने के लिए विषय भी आना चाहिए, वचन भी आना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा ध्यान है और सिर्फ योगेश्वर ध्यान केंद्र को वो भाग्य मिला है। और भटकर ने गुस्सा तो हो सकता है, वो ज्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन हमसे दूसरे पढ़ने में हमको नहीं है, बहुत बहुत भगीरथ प्रयत्न से ये त्रिशक्ता तो आ चुकी है अभी नहीं। यदि एक आदमी को करने से कुछ आदमी को हम मार्ग दिखाएंगे तो उनका कल्याण होगा, कुछ लोगों को दिखाने से दुनिया का कल्याण होगा। इसलिए एक भटकर से ही पढ़ेकर आया था, एक पढ़ेकर से कितने लोग को यह ज्ञान मिल रहा है देखिए, और 10 साल के बाद 15 साल के बाद हमारा अभाव में बहुत लोगों का कल्याण होगा शायद। हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोग कल्याण के लिए ये आत्मस्पर्श से ही आता है, सिर्फ नौकरी का अभ्यास से नहीं आता है, इसलिए इसको कल्याण होगा। इसलिए ये लोग बहुत करेंगे तो इनसे बहुत लोगों का कल्याण मिल सकता है। हमको ये चाहिए आदमी उनका मार्ग में, हम हमारे मार्ग में किसी को भी नहीं बुलाते हैं। अरे तेरा मार्ग क्या है, तुम क्या करते हो, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसमें तुम अच्छा करने के लिए हम बस सिखाते हैं, ले लो तुम पाकशास्त्र। इसलिए हम दूसरे वालों को ये करो वो पढ़ा ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। यदि ये सांगणिक तंत्र में है उनको वो तंत्र में, यदि तुम व्यापार में हो तुमको व्यापार में, यदि प्रशिक्षण पद्धति में प्रशिक्षण, योग मैंने योग, मंत्र मैंने मंत्र, वैद्य मैंने वैद्य, जो जितना मार्ग, जो मार्ग में वो जितना जाना चाहते हैं उस मार्ग में हम उनको बढ़ाने के लिए, प्रगति के लिए हम कोशिश करने वाले, मार्ग दिखाने वाले। इसलिए ये चतुरंग उपाय बहुत अत्यावश्यक है। अभी हम ये बोलना चाहते हैं, एक अंतिम समापन विषय है बोलने के लिए, योग शास्त्र भगवान का निरूपण है। योग शास्त्र नहीं है तो एक श्रुति है, एक ब्रह्म नहीं तो परमात्मा है, एक सत्य है, एक धर्म है, और इससे मोक्ष है। सब निरूपण के लिए षडंग सहयोग भगवान ने दिए, मंत्र शास्त्र, वैद्य शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, संगीत शास्त्र, योग शास्त्र और वेदांत शास्त्र। जो दिल को
बहुत संतुष्ट रखने के लिए, दिल को बहुत संतुष्ट रखने के लिए और दैविक सुख सौभाग्य संतोष की अनुभूति के लिए संगीत आदि शास्त्र और काल जानकारी से काम बराबर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र। सो जो हमारा दृष्ट वैरी है, अंतर्गत वैरी, उसको निकालने के लिए आयुर्वेद शास्त्र, जो सूक्ष्म वैरी है वो सब निकालने के लिए मंत्र शास्त्र, और दुनिया में जिसके लिए जन्म दिए है उसको काम करने के लिए योग शास्त्र, ये काम करके छोड़ के उनको पहुंचने के लिए, अन्य लोगों को पहुंचाने के लिए वेदांत शास्त्र, ये सब षडंग सहयोग है। ये छह नहीं है तो भगवान को कोई भी नहीं विश्वास करेगा, इसलिए भगवान के लिए ये शास्त्र तो आया, हमारे लिए नहीं है। हम सब समझते हैं योग हमारे लिए, केवल हमारे लिए नहीं है, ये शास्त्र नहीं है तो भगवान ही नहीं है। अरे कौन जानता है, यदि एक भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, वो भगवान होने में, रहने में और नहीं रहने में क्या फायदा है, क्या फर्क है? इसलिए योग शास्त्र तो भगवान का मर्मनाडी है, भगवान का दिव्य संकल्प का विकास है, परिणाम है, इसलिए सब समझ रहे हैं। अभी तो बहुत लोग देख रहे हैं मच्छर जैसा, मच्छर भी बहुत कम है, योगाचार्य और योग शिक्षण केंद्र तो बहुत ज्यादा है। हाँ, आसन भी नहीं जानने वाला, आसन मात्र जानने वाला, आसन जानते हैं अर्थ नहीं जानते हैं, आसन जानते हैं अपार्थ बोलते हैं, ये सब बहुत कुछ लोग हैं। इसलिए हम सबको अधिकार देने वाला नहीं हूँ, सबको निराकार करने वाला नहीं हूँ, सबको निरोध करने वाला, निषेध करने वाला नहीं हूँ, वो हम नहीं कर सकते, करना भी नहीं जानते, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि ये तो सत्य मार्ग है। हम ये बोलना नहीं चाहते वो असत्य है, वो तो खुद मालूम पड़ेगा, वो आदमी का भी बुद्धि परिवर्तन होगा एक सत्य मार्ग का, यथा विधि पूर्वक हमारा सत संप्रदाय का, योग दर्शन का, लोक कल्याण के लिए प्रकटन दुनिया में होना चाहिए, उसका मार्गदर्शन में हम भी एक छोटा साधन है, भगवान का दिव्य संकल्प से वो सत सफल होने के लिए आपका हमारा हार्दिक मंगलाशासन पुनः एक बार हम निवेदन करके, वितरण करके अभी हम समापन लेते, विराम लेते। नारायण नारायण, नारायण।